स्वागत है आपका अपनी चैनल बिनाज एजू वर्ल्ड में। वॉल्यूम को समझने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर ली है। इनमें से ये जो स्क्वायर और रेक्टेंगल है ये प्लेन फिगर है, और ऐसी प्लेन फिगर जो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, सर्कल है, ये प्लेस ऑक्यूपाई नहीं करती है बिकॉज दे लाई ऑन अ प्लेन, प्लेन में ही रहती है इसलिए। लेकिन कुछ सॉलिड फिगर भी है जो प्लेस ऑक्यूपाई करती है, जैसे कि ये क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कॉन है, स्फेयर है, ये सब प्लेस ऑक्यूपाई करती है। एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट ऑक्यूपाई अ स्पेस हैज अ वॉल्यूम। यहाँ पे जितनी भी फिगर, सॉलिड फिगर जो भी प्लेस ऑक्यूपाई करती है उनको वॉल्यूम रहता है। तो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, तो वॉल्यूम क्या हो गया? द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ अ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय इट। वॉल्यूम एक उसी को रहता है जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो सॉलिड फिगर में आएगा क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन। और सॉलिड फिगर का हम वॉल्यूम निकालेंगे तो उसका यूनिट क्या है? तो उसका स्मॉलर यूनिट है क्यूबिक सेंटीमीटर, लार्जर यूनिट है क्यूबिक मीटर। अब इस क्यूबिक सेंटीमीटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। चैप्टर 18 वॉल्यूम में हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एंड हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 145 को रिफर करना। यहाँ पे फोर फिगर दी गई है। ये जो फोर फिगर है इसमें से ये जो बी फिगर है वो क्यूब है, और बाकी का जो थ्री फिगर है वो क्यूबॉइड है। ये फोर जो फिगर है वो स्मॉल स्मॉल क्यूब से बनी हुई है। इस क्यूब को हम काउंट करके भी उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन कुछ फिगर ऐसी होती है जिसमें काउंटिंग ऑफ अ क्यूब इज नॉट पॉसिबल, लेकिन हर बार हमें क्यूब्स काउंट करके वॉल्यूम फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं होता है। और इस केस में हम क्या करेंगे, उसका क्यूबॉइड और क्यूब का जो फॉर्म्यूला है वो हम अप्लाई करके उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो है वो टू इम्पोर्टेंट फॉर्म्यूलाज है टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड एंड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो आइए जानते हैं हम व्हाट इज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड। टेक्स्ट बुक पेज 146 पर यहाँ पे फिगर 2 जो दी गई है उसमें यहाँ पे ये देखो, ये जो बेस है वो है उसका लेंथ, ये है इसका लेंथ। यहाँ पे ये कितना ऊंचा है, ये कितना ऊंचा है वो दिखा रहा है, तो ये हो गया इसका हाइट। और यहाँ पे यहां से पीछे से हमें दूसरे क्यूब्स दिख रहे हैं ना, तो ये हो गया इसका ब्रेथ, मतलब कि उसकी विड्थ कितनी है। तो अगर हमें उसका वॉल्यूम
ऑफ अ क्यूबॉइड फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अगर हम इस फिगर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो हम लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट कर देंगे तो हमें इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम फिगर नंबर 3 देखते हैं तो ये क्यूब है, तो क्यूब में ये देखो यहाँ पे ये नीचे जो बेस में है वो लेंथ है, ये हाइट है और ये ब्रेथ है, ये तो हमने समझ लिया है। लेकिन ये क्यूब है इसलिए इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। इसका मतलब कि क्यूब का लेंथ ब्रेथ और हाइट सब सेम रहता है, इसीलिए तो इसका फॉर्मूला भी वैसे ही है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन एज इनटू लेंथ ऑफ एन एज इनटू लेंथ ऑफ एन एज, 3 टाइम्स लेंथ ऑफ एन एज है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। आइए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 18A का फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स एंड क्यूब्स By counting the unit cubes of volume 1 cube centimeter। यहाँ पे ये जो figure दी है उसमें हमें छोटी छोटी cubes दी है, ये जो cubes है उसका measurement है 1 cubic centimeter। Each cube has a 1 cubic centimeter का उसका measurement है, उसको हमें count करके हमें ये जो figure है उसका volume find out करना है। तो जो first A figure है वो है cuboid। क्यूबॉइड में अगर हम देखेंगे, हमने सीख लिया है यहाँ पे ये जो रहता है बेस में ये है लेंथ, और ये लेंथ में कितनी क्यूब्स है तो 4 क्यूब्स है। ये जो ऊपर यहाँ पे हमें जो हाइट दिखा रहा है ये है इसकी हाइट, और हाइट में कितनी क्यूब्स है तो 1, 2, 3, 4, 5, तो हाइट है 5 क्यूब्स का बना हुआ। और ये जो है वो है ब्रेथ, और वो है ब्रेथ का जो क्यूब्स है वो है 1। तो इस तरह से हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट मिल चुका है, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका वॉल्यूम। चैप्टर 18 का फर्स्ट क्वेश्चन का ए सम हम देखेंगे। फर्स्ट फिगर हमें दी है क्यूबॉइड की, इसलिए हम यहाँ पे क्यूबॉइड का फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ क्या था 4 सेंटीमीटर, इनटू ब्रेथ था 1 सेंटीमीटर और इनटू हाइट है 5 सेंटीमीटर। इन सबका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20। तो इस तरह से वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये है फर्स्ट का आंसर। यहाँ पे जो क्वेश्चन बी है उसमें भी जो फिगर दी गई है वो क्यूबॉइड है। अगर हम ऐसे देखते हैं तो ये लेंथ हो गई, तो इसकी लेंथ में जो क्यूब है वो 1, 2, 3, 4, 5 है। अगर हम हाइट देखते हैं तो हाइट में क्यूब हो गई 1, और ब्रेथ देखते हैं तो यहाँ पे भी 1 क्यूब है। तो आइए अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो बी फिगर है क्यूबॉइड, तो उसका हमने फॉर्मूला लिख लिया है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर है और हाइट 1 सेंटीमीटर है। इन सबका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 5 क्यूबिक सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन है सी, और सी का जो फिगर है वो है क्यूब। तो क्यूब में हम अगर हम लेंथ देखते हैं तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, टोटल 4 क्यूब्स है इसमें लेंथ वाइज। हाइट अगर हम देखते हैं यहाँ पे, ये जो हाइट है इसमें हम देखते हैं तो यहाँ पे भी 4 क्यूब्स है, और ये जो विड्थ देखते हैं ब्रेथ तो वो भी 4 है। तो इस तरह से ये क्यूब है इसलिए इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम है। क्वेश्चन सी का सॉल्यूशन देखो, ये क्यूब है इसलिए हम क्यूब का फॉर्मूला लिखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब है
लेंथ ऑफ एन एज इंटू लेंथ ऑफ एन एज इंटू लेंथ ऑफ एन एज, और लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम है, फोर फोर और फोर, वो हमने लिख लिया, फोर फोर जा सिक्सटीन, सिक्सटीन फोर जा सिक्सटी फोर, तो इसका वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हो गया 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब जो लास्ट डी फिगर है वो भी क्यूब है, तो इसका जो लेंथ है वो टू है, हाइट है ऐसे वो भी टू है, और जो ब्रेथ है वो भी टू क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन डी है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू टू इंटू टू इंटू टू, टू टू जा फोर टू जा एट, तो इसका वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हो रहा है 8 क्यूबिक सेंटीमीटर। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।